the question is there would be 20% loss of a toy if it is sold for 11.20 rupees at what price is द टॉय शुड be शोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ टेन परसेंट एक खिलौने को अगर ग्यारह दशमलव बीस रुपये में बेचने पर बीस प्रतिशत की हानि होती है ठीक है उसको कितने रुपए में बेचा जाता है ग्यारह दशमलव बीस रुपये में तो उसको बीस प्रतिशत की हानि हो रही तो दस प्रतिशत का लाभ प्राप्त करने के लिए खिलौने को कितने रुपये में बेचना पड़ेगा ये सीधा सीधा प्रश्न बोल रहा है मतलब यहाँ से अपन को पता चल रहा है क्या कि अस्सी प्रतिशत का मान कितना है अस्सी प्रतिशत का मान है ग्यारह दशमलव बीस रुपये ग्यारह दशमलव दो जीरो रुपये ठीक है ये क्या है एट्टी परसेंट की वैल्यू है एट्टी परसेंट की वैल्यू अगर ये इसको चार से काटेंगे तो ये कितने टाइम कट जाएगा ट्वेंटी टाइम और ये चार से कट जाएगा चार दूनी आठ और आठ चौको बत्तीस टू एट ठीक है और एक जीरो की ये जीरो लिख दी और दो के बाद परसेंटेज तो पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट तो लगा दिया ठीक है तो क्या आ गया ये टू पॉइंट एट जीरो रुपीज़ ये क्या हो गया अब इसमें कर लेते हैं फाइव का मल्टीप्लाई फाइव का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो अपने पास क्या जाएगी? 100 आ जाएगी हंड्रेड परसेंट की वैल्यू आ गई हंड्रेड परसेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हंड्रेड परसेंट का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये जीरो की जीरो ये हो जाएगा आठ पंजा चालीस की जीरो हासिल किया चार आठ दूनी पाँच दूनी दस और चार चौदह ठीक है और दो के बाद पॉइंट लगा दिए तो ये क्या आ गया चौदह पॉइंट जीरो जीरो रुपीज़ ये क्या आ गया हंड्रेड परसेंट की वैल्यू अपन को लाभ कितने का चाहिए प्रॉफिट कितने का चाहिए टेन परसेंट का अगर प्रॉफिट टेन परसेंट का चाहिए तो टेन परसेंट कीमत बढ़ानी पड़ेगी टेन परसेंट चौदह रुपये का टेन परसेंट कितना हो जाएगा वन पॉइंट फोर रुपीज़ ये क्या होगा चौदह रुपये का टेन परसेंट तो इसको बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा चौदह पंद्रह दशमलव चार ज़ीरो रुपीस ये क्या आ गया अपने पास एक सौ दस परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई पंद्रह दशमलव चार जीरो रुपीस और यही क्या हो जाएगी अपनी सेलिंग प्राइस हो जाएगी जिसमें कितने का लाभ होगा टेन परसेंट का लाभ होगा ठीक है डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर